हर हर शंकर, जय जय शंकर। गोमुख से होता है जटाशंकर का अखंड जलाभिषेक। पांच याज्ञिक वृक्षों के मध्य स्थित जटाशंकर तीर्थ अनादिकाल से ही अपने दिव्य स्वरूप, अलौकिकता, शांति और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विख्यात रहा है। त्रेता युग में जटायु की तपोभूमि रहे स्थल पर अब तक कई संत महात्माओं ने निवास किया और अपनी तपस्या से इस देव भूमि को पावन किया। तीर्थ की विशेषता भगवान जटाशंकर का अखंड जल अभिषेक करने वाली जलधारा है, जिसका स्रोत पता लगाने में विशेषज्ञ भी असफल रहे हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित जटाशंकर को चर्चित और विकसित करने का श्रेय ब्रह्मलीन संत श्री केशवदास जी त्यागी को जाता है। हालांकि तीर्थ अपनी भंडारा प्रथा के चलते अर्धकुंभ और सिंहस्थ में लोकप्रिय है। इतिहास को खंगाले तो लगभग 600 वर्ष पूर्व वैष्णव संप्रदाय के वनखंडी नामक एक महात्मा यहाँ निवास करते थे। जनता में उनका नाम लाला बाबा था। वे प्रतिदिन धाराजी के नर्मदा तट पर स्नान के लिए जाते थे और सूर्योदय के समय जटाशंकर लौटकर भगवान का अभिषेक करते थे। उनके अशक्त होने पर नर्मदा माता ने प्रकट होकर भगवान के अभिषेक सहित विभिन्न कार्यों के लिए सतत बहने वाली 5 जलधाराओं का वरदान जटाशंकर तीर्थ के लिए दिया। कालांतर में कलयुग के प्रभाव से 4 जलधाराएं लुप्त हो चुकी हैं और भगवान का अखंड अभिषेक करने वाली जलधारा सतत प्रवाहित है। जटाशंकर महादेव पर नीले व लाल रंग की धारियां हैं, इसीलिए इसे नील लोहित शिवलिंग भी कहा जाता है। मंदिर के छत से सटी चट्टान पर बिल्व पत्र का वृक्ष है, इसलिए बिल्व पत्र और जल से भगवान का अखंड अभिषेक होता है। मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, इसमें बिल्व पत्र के गिरने के लिए छत में स्थान छोड़ा गया है। जटाशंकर की जलधारा और नर्मदा जल का स्वाद एक है और धारा जी में धावड़ी कुंड में जब वेग से जल गिरता था तब वह चट्टानों में स्थान बनाता था। ओमकारेश्वर डैम बनने से जलधारा के वेग में कमी आई है। चंद्रकेश्वर तीर्थ पर अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा का आश्रम था, जो कालांतर में च्यवन ऋषि की तपोभूमि बना और चंद्रमा ने जटायु की मदद की थी। इससे जाहिर है कि अनादिकाल में यहाँ पर जटायु ने तप किया था। जलधारा के मुहाने पर लगा गोमुख लगभग 200 वर्ष पूर्व बागली रियासत के राज पुरोहित पंडित सोमेश्वर त्रिवेदी ने स्थापित करवाया था। इस स्थल की अलौकिकता को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एक महात्मा सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं और उन्हीं का मार्गदर्शन ब्रह्मलीन संत श्री केशवदास जी त्यागी को प्राप्त था। इसे लेकर वनकर्मी ख्याली व्यास और सत्यनारायण व्यास बताते हैं कि उनके दादाजी प्रेमीलाल व्यास को जटाशंकर महादेव का रहस्य जानने की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने जटाशंकर में रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। वर्ष 1940 के आसपास निर्जन वन होने के कारण यहाँ कोई रहता नहीं था, लेकिन पूजा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती थी। एक दिन प्रेमी लाल जी और उनके कुछ साथियों ने यहाँ पर रात्रि जागरण किया, लेकिन सुबह सुबह सभी को नींद आ गई और जब जागे तो पूजा हो चुकी थी। अगले दिन मंदिर के अंदर राख फैला दी गई। तब अगले दिन सुबह राख पर 1 फुट से अधिक लंबे पैर का एकमात्र चिन्ह मिला। यहाँ पर रियासत काल से महाशिवरात्रि के अवसर पर 5 से 7 दिन अवधि का मेला लगता है। साथ ही विश्व शांति व कल्याण की कामना से शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन भी होता है।
वर्ष 2020 याज्ञिक आयोजन का 55वां वर्ष था। बागली रियासत के राजा छत्र सिंह ने बताया कि रियासत काल में शिवरात्रि पर यहाँ बड़े पैमाने पर मेला लगाया जाता था। इसमें आदिवासियों को लकड़ी विक्रय करने और कर में 100% की छूट होती थी। उस समय बड़े व्यापारियों का तांता यहाँ लगा रहता था। मेले के दौरान घुड़दौड़ सहित लंबी कूद, ऊंची कूद सहित अन्य खेलकूद प्रतियोगिताएं भी यहाँ होती थी। नगर से लेकर जटाशंकर तक रोशनी के लिए लालटेन कतारबद्ध लगती थी और काली सिंध नदी पर पैदल यात्रियों के लिए झूला पुल बनता था। यहाँ अनादिकाल से कई साधुओं ने निवास किया है। देवास के ब्रह्मलीन संत शीलनाथ बाबा भी यहाँ कुछ समय ठहरे थे। नगर तक शेर पर बैठकर आने वाले भारती बाबा ने भी यहाँ निवास किया है। इस स्थान को सर्वाधिक ऊर्जा फलाहारी बाबा ने प्रदान की और अपनी तपस्या से यहाँ का विकास किया। इसके साथ ही वन क्षेत्र में भी बाबा ने शिकार पर पाबंदी लगाई और उनके प्रयासों से ही आसपास के राजपूतों ने अपने हथियारों को घरों में टांग दिया। तीर्थ पर श्रावण मास में गत 15 वर्षों से अखंड महारुद्राभिषेक हो रहा है। इसमें वागी योग चेतना पीठम बागली के आचार्य पंडित ओम प्रकाश शर्मा व पंडित मुकेश शर्मा द्वारा भगवान जटाशंकर का महारुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन, महामृत्युंजय मंत्रों का जाप, पंचाक्षर मंत्र जाप, सहस्त्र अर्चन और हवन आदि क्रियाएं जारी हैं। श्रावण मास में 51,000 पार्थिव लिंगों का निर्माण और पूजन भी होता है। मान्यता है कि मनोरथ सिद्ध करने के लिए सच्चे मन से भगवान जटाशंकर का अभिषेक करने के बाद श्रद्धालु मंदिर की दीवारों पर स्वास्तिक चिन्ह को गोबर से उल्टा उकेरते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही मनोकामना पूर्ण होने के बाद उसे उन उल्टे स्वास्तिक को सीधा करने के लिए तीर्थ पर फिर से आना होता है। भोपाल और इंदौर से आप आसानी से देवास पहुंच सकते हैं। देवास से 54 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर है बागली। बागली से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जटाशंकर मंदिर। बाबा के ऐसे ही प्राचीन मंदिरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।